हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वाई फाइन स्टडी विच इज़ द पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो आप सभी का स्वागत है भाई जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाएगा साथ ही इस सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा कि भाई वह सभी भी यहाँ पर क्लास से जुड़ सकें ठीक है इसके साथ ही भाई हम लोग यहाँ पर अपनी आज की क्लास में भी हम लोग कुछ अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर करने जा रहे हैं जैसे कि अगर हम सी जी के एग्ज़ाम की बात करें तो सी के एग्ज़ाम में सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों के जो स्टैटिक जीके के फैक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही स्टैटिक जीके के फैक्ट के क्वेश्चन ही हम लोग आज क्लास में ज़्यादा करेंगे और ये देखिएगा कि आज मैं सीजीएल में एस एस सी के जैसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दो के तो ये मैं आज के सेशन में शाम को सात बजे आप लोगों को कराऊंगी ठीक है तो आप सभी शाम को सात बजे इस सेशन से जुड़ जाएगा जिसमें कि हम लोग आज और लास्ट ईयर कुछ जो लास्ट डेज में सीजीएल का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए अपने जीके के क्वेश्चन करेंगे ठीक है अपने जीके के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे शाम को सात बजे तो आप सभी शाम को सात बजे भी जुड़ जाएगा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा छोटा सा सेशन होगा इसमें आप देख पाएंगे कि आपसे जो क्वेश्चन है वह किस तरह के और कैसा लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि स्टूडेंट्स का रिव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे okay, गुड okay, तो तो आंसर करना स्टार्ट कीजिएगा कि क्या भी हमारा जो आंसर है यहाँ पे अपना नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा हु इज द बुक आम माफी आम माफी पुस्तक के लेखक कौन है यह है, आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है क्या यहां पे हमारा आंसर रहेगा चलिए बताइए यदि हम आम माफी की बात करते हैं सो आम माफी जो कि बुक है यह किसकी है यह आप लोगों को यहां पे बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा बताएंगे क्या रहेगा तो इसमें यदि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा अरविंद अडीगा इस बुक की यदि हम बात करें तो क्या रहेगा कि भाई यह अरविंद अडीगा की बुक है इसके साथ ही अरविंद अडीगा की बात करते हैं तो 2008 में इन्हें अपनी दाइट टाइगर के लिए दाइट टाइगर के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है क्या हो जाएगा मैन बुकर प्राइज से भी भाई इन्हें सम्मानित किया जा चुका है ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पे आंसर करके बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा कि गंगे कौन चौलपुरम में भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे गिरीश ओके पृथ्वीराज चौहान चलिए नेहा ओके चलिए आंसर करेंगे भी सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बताएंगे चलिए सभी के सभी आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या रहेगा यहाँ पे बिल्कुल इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो किसके द्वारा सभी यहाँ पे राजेंद्र चौल प्रथम के द्वारा किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था सो राजेंद्र चौल प्रथम जो की है इसके द्वारा गंगे कौंड चौलप्रा मंदिर का निर्माण कराया गया था जो कि द ग्रेट लिविंग चोलास द ग्रेट लिविंग चोलास द ग्रेट लिविंग चोलास ग्रुप का यह एक हिस्सा है ठीक है याद रखिएगा ग्रुप का क्या है यह है एक हिस्सा है याद रखिएगा सो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो की है यह हमारा सही आंसर यहाँ पे अपना जाएगा द नेक्स्ट आ जाते हैं बताएंगे कि निम्नलिखित में, बताएं। में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है बताइए इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ये आप लोगों को बताना है सभी के सभी आंसर कीजिएगा भाई क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है बताइए आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल बात कर लेते हैं क्या रहेगा सो so, अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो क्या रहेगा रेगिस्तान नेचुरली होता है तो ये नहीं होगा यहां पे भी रेगिस्तान है महासागर नेचुरली है बट यदि हम मछली घर की बात कर लें, यानी लें जू की बात कर लें और यहां पर फार्मिंग की बात कर लें तो यह किसके द्वारा किया जाता है तो भाई यह किया जाता है आपका मानव के द्वारा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है तो यह है मानव के द्वारा किया जाता है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो की है यह हमारा यहाँ पर सही आंसर अपना रहेगा ठीक है क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो की है अपना सही आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बताइएगा कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो कि नेतृत्व है भाई यह किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था आंसर कीजिएगा यदि हम कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं तो यह है भारत में कब आया था 1946 में आया था इसमें कितने मेंबर्स थे इसमें अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं इसमें तीन सदस्य थे जिसमें कि सर पेथिक लॉरेंस जो की है यह है, उस समय भारत सचिव थे भारत के सेक्रेटरी थे यानी कि भारत सचिव थे इसके अलावा जो कि दो और सदस्य थे जिसमें कि दो और सदस्य थे यह थे सर स्टेफोर्ड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो की है यहाँ पर थे ठीक है तीसरे नंबर की बात करते हैं कौन थे एवी अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर यहां पर थे ये तीन व्यक्ति थे इसमें याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन जो की है हमारा सही आंसर रहेगा इनके नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन 1946 का गठन किया गया था तो क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर अपना जाएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मरिया पंत वेलू टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के ध्वजावाहक बने वह किस खेल से संबंधित थे पहले से यह तय किया गया था कि जो पैरालंपिक गेम का आयोजन किया जाएगा जो कि 2020 वाले कहां पर टोक्यो 2021 में यह आयोजित किए गए थे लेकिन यह है क्योंकि उस टाइम पर पॉजिटिव थे कोविड पॉजिटिव थे तो यह ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे बल्कि इनकी जगह पर टेक चंद जोकी है यह ध्वजा वाहक रहे थे ओपनिंग के समय में और क्लोजिंग के समय की बात करते हैं जि, जिस समय समापन होता है उस समय अवनी लेखरा ध्वजा वाहक रही थी पैरालंपिक खेलों में चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह है, अपने हाई जंप यानी कि ऊंची कूद के लिए यह जाने जा। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी के सभी आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारा बताइएगा तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस 2021 पर एक नए जनसंख्या विधेयक की घोषणा की थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जिस परिवार के दो से ज्यादा दो से ज्यादा जिस परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें इलेक्शन में चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और जिनके दो संतानें हैं तो उन्हें जो भी गवर्नमेंट का मतलब एक लाभ है बेनिफिट है वह है, उन्हें मिल पाएगा जो कि यह नीति 2021 से 2030 के लिए इन्होंने लागू की है और किसने की है यह तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा तो क्या रहेगा भाई अपना उत्तर प्रदेश जो की है यह हमारा यहाँ पे सही आंसर अपना रहेगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी बताएंगे क्या रहेगा यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में आपको दिया गया है आपको बताना है कि क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है यह है अपना यहां पर क्या रहेगा चलिए चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा देख लेते हैं क्या हो जाएगा यदि हम मोहिनी अट्टम की बात कर लेते हैं तो यह केरल का क्लासिकल डांस फॉर्म है ठीक है याद रखेगा इसके साथ ही केरल के मोहिनी अट्टम यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है और उसके साथ ही यहाँ पर कथकली भी यहाँ का क्या है क्लासिकल डांस फॉर्म है कथकली क्या हो जाएगा यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है यहाँ के दो क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु राज्य की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भरतनाट्यम भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं सो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुचीपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है ठीक है याद रखिएगा चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी बताएंगे क्या रहेगा हमारा आंसर खगोलीय दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है आंसर कीजिएगा खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो कि भाई सही दूरी है यह है क्या है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा लाइट ईयर यानी कि यहां पर आपका प्रकाश वर्ष ठीक है थीके? और एक लाइट ईयर की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर ट्वेल्व किलोमीटर ये दूरी होती है एक लाइट ईयर में याद रखिएगा लाइट ईयर का जो यूज है यह किया जाता है कहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा अंतरिक्ष में वहां पर दूरी को मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर में मापना संभव नहीं हो पाता है कोज वह बहुत ही बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस की दूरियां होती हैं इसीलिए वहां पर किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट जो कि कौन सी है लाइट ईयर और लाइट ईयर से भी जो एक बड़ी यूनिट है यह है क्या है यह है पारसे क्या हो जाएगा पारसे जो की है यह है, लाइट से भी बड़ी यूनिट है और इनका जो यूज है यह कहां पर किया जाता है यह अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है याद रखिएगा चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई सभी आंसर करके बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट से क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 जून 1894 बिल्कुल सही ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो ओलंपिक गेम जो कि सबसे पहली बार यह आधुनिक ओलंपिक खेल चुकी हैं यह है, 1896 में यहाँ पर आयोजित किए गए थे जो कि एथेंस में ठीक है ग्रीस की ग्रीस की जो कैपिटल है ग्रीस की कैपिटल ग्रीस की कैपिटल एथेंस में इनका आयोजन किया गया था और तेईस जून जिस दिन ओलंपिक समिति का गठन किया गया है उस दिन को इंटरनेशनल किस रूप में मनाया जाता है इसे इंटरनेशनल ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी मनाया जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है कोई बताएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए निरंजन ओके एसएससी ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से और सभी क्लास को भी भाई लाइक कर दीजिएगा जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा यदि मैं बात करूं कि भाई ओलंपिक जो कमेटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका जो हेडक्वार्टर है यह है, कहां पर है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा लुसाने में सुजीत लुसाने में है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है यहां पर इसका मुख्यालय है क्या हो जाएगा यह है भाई स्विट्जरलैंड का एक शहर है याद रखिएगा और यहाँ पर इसका मुख्यालय है नेक्स्ट भी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए निम्नलिखित को मिलाइए यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है और फिर बताना है कि आंसर जो की है हमारा यहाँ पर क्या रहेगा चलिए बताइए एक तरफ आप लोगों को कुछ खाद सामग्री के नाम दिए गए हैं और वह किस पौधे के भाग से हमें प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है जैसे कि इसमें यदि हम गाजर सलाद यानी कि एक तरह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरेट की बात कर लेते हैं यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये आप लोगों को बताना है जी चलिए देखते हैं यदि हम कैरेट की बात कर लेते हैं तो यह है जड़ है यानी कि यह है रूट है ठीक है बैंगन की बात कर लेते हैं बैंगन क्या है सो so, बैंगन जो की है यह आपके फल में आता है यानी कि फ्रूट में आता है आलू चिप्स यानी कि आलू की बात करें तो यह तना है क्या है यह है स्टीम और यदि हम उबले हुए चावल की बात करते हैं तो यह है क्या होता है आपका बीज यानी कि ए ऑप्शन का यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड ठीक है बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा फोर्थ सी ऑप्शन की बात कर ले तो फर्स्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन की बात कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड रहेगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपना आंसर रहेगा तो बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा आप लोगों का आंसर यहाँ पर रहेगा द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए भगवान महावीर की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपको बताना है कि भाई इनका जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था बताइए इनका जन्म जो कि है यह कहां पर हुआ था यह हुआ था कुंडल ग्राम में जो कि वैशाली के निकट है वैशाली के निकट यहां पर इनका जन्म हुआ था जो कि कहां पर है यह है लोकेशन बताइए यूनिवर्स ओके okay. आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यदि हम कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली की बात करते हैं तो कहां पर है इसकी लोकेशन आ जाती है तो क्या हो जाएगा बिहार में ठीक है जहां पर कि इनका जन्म हुआ था और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो कहां पर पावापुरी में क्या हो जाएगा पावापुरी पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी ठीक है जब यह है 72 वर्ष की आयु के थे 70 इयर्स के थे इसके साथ ही भगवान महावीर की बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इन्होंने तीस वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था जिसमें कि वर्षों तक जब इन्होंने ध्यान लगाया तो इन्हें यहां यहाँ पर बारह वर्षों के बाद इन्हें केवल्या क्या हो जाएगा यहाँ पे केवल्य यानी कि ज्ञान जिसे कि ज्ञान के नाम से यहाँ पर जाना जाता है की इन्हें प्राप्ति हुई थी ठीक है क्या हो जाएगा भाई? यहां पे याद रखना बिहार हमारा सही आंसर अपना रहेगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में कौन काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल श्रवण चलिए नेक्स्ट भाई सभी के सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा संजय ओके चलिए सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा काली मिर्च की यदि हम बात करते हैं तो काली मिर्च का जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन है कहां पर होता है सभी के सभी ध्यान से आंसर करो क्वेश्चन का बताइए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए सो so, देखते हैं यहाँ पर सभी का आंसर ही गलत है क्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य सभी के सभी केरल राज्य आंसर कर रहे हैं बिल्कुल केरल राज्य की बात कर लेते हैं तो इसे स्पाइस गार्डन यानी कि इसे मसालों का इसे मसालों का शहर यहाँ पर जाना जाता है ठीक है मसालों का शहर इसे जाना जाता है केरल राज्य को और यदि सिर्फ काली मिर्च की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका कर्नाटक में उत्पादन होता है बाकी कर्नाटक में कॉफी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सभी जानते ही हैं ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी के सभी आंसर करके बताएं क्या हो जाएगा यहां पे बताइए क्या भी हमारा आंसर जो की है यहां पे अपना रहेगा फटाफट से चलिए बताएंगे यूनिवर्स कर्नाटक में भी होता है आप चेंज एक बार चेक कीजिएगा ठीक है क्वेश्चन क्या हो जाएगा भारतीय कॉफी बोर्ड की हम बात कर लेते हैं तो कॉफी बोर्ड कहां पर है कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में ठीक है कर्नाटक की कैपिटल कहां पर है बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है चले नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी इसमें क्या हो जाएगा बताइए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की यदि हम बात कर लेते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग तो कहां पर मनाया जाता है यह नागालैंड राज्य में नागालैंड राज्य में यह एक से दस दिसंबर एक से दस दिसंबर के बीच में यह मनाया जाता है जो कि यहाँ की नागा ट्राइब के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और यह ईयरली ही यानी कि वार्षिक तौर पर यह मनाया जाता है इसकी यदि हम स्टार्टिंग की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई है तो इसकी जो शुरुआत है यह दो से हुई है याद रखिएगा टू थाउजेंड ईयर से इसकी शुरुआत हुई है और तब से लेकर के अभी तक इसका आयोजन किया जा रहा है इसके साथ ही यहाँ पर एक त्यौहार मोत्सु त्यौहार भी है जो कि यहाँ पर मनाया जाता है और ज्यादातर आप लोगों से दो त्यौहार के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक तो हॉर्नबिल के ऊपर और एक मोत्सु त्यौहार के ऊपर ठीक है याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा किस देश को लैंड ऑफ दिड नाइट सन के नाम से जाना जाता है यानी कि वह देश जिस जिसमें मध्य में, में यानी कि रात के मध्य में ठीक है सूरज दिखाई पड़ता है बताइए बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्वे देश को जाना जाता है और नॉर्वे की कैपिटल क्या है नॉर्वे देश की कैपिटल क्या है बताइए नॉर्वे देश को जाना जाता है यहाँ पर आधी रात में भी सूरज दिखाई पड़ता है ठीक है अबुल फजल द्वारा जो कि अकबरनामा कितने समय में इसे पूरा किया गया था बताइए अकबरनामा जिसे की आयने अकबरी आयने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आपको बताना है कि यह कितने पार्ट्स में लिखी हुई है कितने खंडों में यह लिखी हुई है अकबरनामा और यह फारसी भाषा में लिखी हुई है किसमें फारसी भाषा में यह लिखी हुई है यानी कि अकबर की कहानी अक� अकबर नामा जो कि किसने लिखी है अबुल फजल ने लिखी थी बताइए तो कितने ईयर का टाइम लगा था इसको पूरा करने में सावन वा ईयर्स का टाइम लगा था पूरा करने में और कितने पार्ट्स में यह लिखी हुई है बताइए सेवन ईयर्स का टाइम लगा था आपको बताना है कितने पार्ट्स हैं इसके बताइए क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में ही बताइए बताइए क्या आंसर हो जाएगा चलिए सभी का गलत है अविनाश बिल्कुल सही याद रखना तीन पार्ट्स में यह लिखी हुई है अगर इसके खंड की बात करें तो तीन खंडों में लिखी गई है और सात वर्ष का समय लगा था इसे बनाने में देन यानी कि लिखने में नेक्स्ट है कि कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है यह आपको बताना है बताइए। आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहां पे? चलिए आंसर करेंगे कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल करहरी गुफाओं की बात कर लेते हैं तो भाई यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में यह पड़ती है जो कि इनका निर्माण भी रॉक को कट करके किया गया है यहाँ पर अगर हम अजंता केव्स की बात करें अजंता केव्स भी कहाँ पर है महाराष्ट्र में है और एलोरा केव्स की बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है यह भी आपकी महाराष्ट्र में ही है जो कि यहाँ पर सहयाद्री पर्वतमाला है उन्हें कट करके इन्हें बनाया गया है द नेक्स्ट है कि भाई पान भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है यह है, आपको बताना है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ बान भट्ट बताइए किसके रचेता है सूरसागर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सूरदास ठीक है हर्षचरित की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बान भट्ट और साथ ही कादम्बरी कादम्बरी की रचना भी किसने की है बान ने ही कादम्बरी की भी रचना की है इसके साथ ही यदि हम यहाँ पर रामायण की बात कर लेते हैं सभी जानते हैं वाल्मीकि और गीता की बात करते हैं तो वेद व्यास का नाम आता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं the next हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा हिल स्टेशन कन्नूर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है वे आर इज हिल स्टेशन कन्नूर लोकेटेड बताइए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा Okay, शर्वन ये कौन से डाटा के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी भी क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा जल्दी से बिल्कुल की बात कर लेते हैं तो यह है एक टूरिस्ट प्लेस के लिए अपना जाना जाता है जैसे कि ऊटी हुआ कुन्नूर हुआ यह सभी कहां पर है तो यह सभी तमिलनाडु राज्य में है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई बी ऑप्शन जो की है हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बताना है आप लोगों को बताइए गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो किसको जाना जाता है खान अब्दुल गफार को जाना जाता है ठीक है इन्हें ही इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है इन्हें ही बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी सीमांत गांधी के नाम से इन्हें ही जाना जाता है है ठीक यह सबसे पहले भारतीय सबसे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें की भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो की है भारत रत्न अवॉर्ड इससे इन्हें सम्मानित किया गया था और आपको बताना है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था बताइए भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें किस वर्ष में सम्मानित किया गया था ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें किस वर्ष में सम्मानित किया गया था 1987 बिल्कुल सही इनकी अगर हम बात करते हैं तो भाई 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया था द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर कीजिएगा कृष्ण कृष्ण मैं आर्टिकल के ऊपर क्लास कर चुकी हूँ आप एक बार सर्च कर लीजिएगा आपको क्लास मिल जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा अटाकामा डेजर्ट की बात करते हैं सो यह है दक्षिण अमेरिका में क्या हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में है जो कि एंडीज माउंटेन रेंज पर यह आपका पड़ता है एंडीज माउंटेन रेंज पर और इसकी जो लोकेशन है कहां पर पड़ती है यह पड़ती है चिले देश में क्या हो जाएगा चिले कंट्री में इसकी लोकेशन पड़ती है इसके साथ ही अटाकामा डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई यह है ड्राइस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड यानी कि विश्व में सबसे सूखे मरुस्थल के लिए यह जाना जाता है अटाकामा डेजर्ट ये भी याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा नेक्स्ट है कि भाई वर्ष भर गर्म और आद्र किन क्षेत्रों में रहता है बताइए कौन से वह क्षेत्र है, है जहाँ पर की जिन एरियाज में गर्म और ह्यूमिडिटी यहाँ पर रहती है ह्यूमिड रहता है आद्र और गर्म रहते हैं बताइए आंसर कीजिएगा वह कौन से नाम से यहाँ पर वह क्षेत्र कौन से नाम से जाने जाते हैं चलिए सूखा अच्छा शीतोष्ण है टेम्परेट है है ना? या फिर यहाँ पे अभ्यांतरिक क्षेत्र है यानी कि इनलैंड या फिर शीत कटिबंधीय या फिर वार्म जोन है तो इसको याद रखिएगा क्षेत्र क्षेत्र जो होते हैं जिन्हें की इंग्लिश में टोरिड जोन कहा जाता है ये क्षेत्र जो है गर्म और वर्ष भर यानि कि पूरे के पूरे बारह वर्ष पूरे के पूरे बारह महीने बारह वर्ष मैंने कहा क्या हो जाएगा ट्वेल्व मंथ्स जो की है यानी कि पूरा वन ईयर तक यह कैसे रहते हैं यह है यहां पर कैसे रहते हैं यहां पर गर्म रहते हैं ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी क्या रहेगा निम्नलिखित में से कितने वर्षों में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है चलिए ममतेश ओके okay, चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कितने वर्षों में अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाता है ये आप लोगों को बताना है अर्धकुंभ मेले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर छह अर्धकुंभ जो होता है वह छः वर्षों में और जो कि महाकुंभ होता है यह बारह वर्षों में यहाँ पर आयोजित किया जाता है ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर अपना जाएगा चलक किसके दरबार के सदस्य थे ये आपको बताना है आंसर कीजिएगा चलक की अगर बात की जाए तो भाई यह किसके दरबार के सदस्य थे आंसर कीजिएगा चलिए कोई बात नहीं उंदेश वो तो बात है कि कभी जब, जब सही आंसर देते हो सही आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं तो मैं गलत वालों को ही देखती हूँ कि गलत आंसर कौन कर रहा है ताकि आप फिर नेक्स्ट टाइम गलत ना करो गलत की पहचान करनी ज्यादा जरूरी है ना चलिए क्या हो जाएगा इसमें कनिष्क यह कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक होते थे ना पहले जैसे डॉक्टर होते थे कि भाई ये हमारा फैमिली डॉक्टर है प्रसाइन टाइम में जाना जाते हैं तो उस समय यहाँ पर क्या हो जाएगा चिकित्सक के रूप में इन्हें जाना जाया करता था तो क्या रहेगा कि भाई यह है कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे द नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो किसको जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को सॉरी एस कुरियन को एम एस स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं तो इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन के इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वर्गीस कुरियन को ठीक है इनके ही जन्मदिवस को छब्बीस नवंबर को भारत में भारत में नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है क्लियर है याद रखिएगा कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा पे? कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिए कल्पना चावला की बात करते हैं तो भाई नाइनटीन नाइनटी सेवन में यह स्पेस क्राफ्ट के थ्रू यह स्पेस में गई थी और स्पेस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी याद रखिएगा सबसे पहली भारतीय थी जो कि कहां पर अंतरिक्ष में जाने वाली यह सबसे पहली भारतीय महिला रही है कल्पना चावला और इनकी अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो किसने लिखी थी इनकी ऑटोबायोग्राफी तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो की है यह है, लिखी गई थी जीन प्योरे हैरिसन के द्वारा क्या हो जाएगा जीन प्योरे हैरिसन के द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा यह लिखी गई थी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था बताइए वह कौन से व्यक्ति थे हु दी फॉलोइंग पर्सन डेमोक्रेसी इन इंडिया आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए जयप्रकाश नारायण चलिए बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा यहाँ पे जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने की इसका प्रस्ताव रखा था और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो भाई इन्हें लोक नायक के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है ठीक है लोगों के नायक के रूप में होता है ना नायक किसे कहा जाता है नायक नायक कहा जाता है हीरो को हिंदी में हीरो हीरो को हिंदी में नायक कहा जाता है और लोक यानी कि लोगों के नायक के रूप में इन्हें भी यहाँ पर जाना जाता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा दार्शनिक रूसो ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यहां पर लिखी बताइए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा बताएंगे विच ऑफ फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटर्न बाय पर रूसो आंसर करेंगे क्या हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध स्वतंत्रता का अर्थ मीनिंग ऑफ फ्रीडम या और लिबर्टी या सोशलिज्म पास्ट एंड फ्यूचर बताइए क्या हो जाएगा तो इनकी अगर हम बात करते हैं इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध के ऊपर पुस्तक को लिखा था तो ए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर हमारा नेक्स्ट है ये आसान क्वेश्चन है वैसे श्री किस राज्य में स्थित है बताइए श्री क्या हो जाएगा किस राज्य में स्थित है श्री कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का जो कि लॉन्चिंग स्टेशन है वह यहाँ पर बना हुआ है लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है और यह कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश में है जो कि पुलिकट लेक से जो कि पुलिकट लेक से यह सेपरेट होता है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह है भारत की सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा कि भाई यह भारत की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है सॉल्ट वाटर लेक है ठीक है याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका हमारा आंध्र प्रदेश और श्री हरिकोटा पर बात करते हैं तो सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर बना हुआ है जो कि भारत में सैटेलाइट्स के लॉन्च करने के लिए स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा कि भाई भी भीम भेदका की गुफाएं कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पे बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए यदि हम भीम केव्स की बात करते हैं तो भाई यह है कहां पर है बताना है आप लोगों को क्वेश्चन में सभी के सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे बिल्कुल इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो कहां पर है तो यह है भाई मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के यह है अब्दुल्ला गंज, राय रायसेना के अब्दुल्लागंज में यह स्थित है जहां से कि हमें पाषाण युग के पाषाण युग के यहाँ पर अवशेष मिले थे यहाँ पर भीम का जो कि केव्स है यह है एक नेचुरल शेल्टर केव्स है पहले क्या होता था कि पहले लोग घर बना करके थोड़ी ना रहते थे बल्कि जहाँ पर उन्हें जैसे पत्थर है पत्थरों से रहने का एक जगह स्पेस बन जाता है जिसमें कि वह रह सके तो इस तरह की पत्थरों की बनी हुई गुफा में रहा करते थे तो यह एक नेचुरल केव शेल्टर के लिए जाना जाता है और इसकी दीवारों पर कुछ अवशेष मिले हैं साथ ही इसे भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है भारत की चालीस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें कि इसे यहां पर शामिल किया हुआ है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा मधुरे में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था ये आपको बताना है आंसर कीजिएगा चलिए मूल रूप से इसका जो भाई निर्माण है यह किसने करवाया था आंसर करेंगे मदुरे में मीनाक्षी मंदिर जो कि यह मीनाक्षी मंदिर है यह द्रविड़ यह दरविड़ यह द्रविड़ स्टाइल में यानी कि शैली में यह बना हुआ है जो कि भगवान शिव जी को एंड मां पार्वती जी को यह समर्पित है ठीक है याद रखिएगा और किसने तो कुल शेखर के द्वारा यह बनवाया गया तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे अपना जो आंसर है हमारा वह हमारा रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है है क्या हो जाएगा ऑप्शन जो की है, यह हमारा यहाँ पे अपना आंसर रहेगा नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी क्या रहेगा बताइए हाइड्रोजन बम का अविष्कार किसने किया था बताइए हु इनवेंटिड हाइड्रोजन बम बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ड टेलर क्या हो जाएगा एडवर्ड टेलर जो की है तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम्ब का इन्वेंशन किया गया था तो क्या रहेगा डी ऑप्शन जो की है भाई हमारा आंसर हो जाएगा देन नेक्स्ट इसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं जो कि भारत का एक लॉन्चिंग स्टेशन है कहाँ है श्रीहरिकोटा और श्री हरिकोटा कहाँ पर है सो यह है, है आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा कहाँ पर है तो यह है, है भाई आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यात चिकित्सक थे बताइए आज सुबह ग्यारह बजे की क्लास में ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है आंसर कीजिएगा चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे बीसी रॉय यानी कि बिधा, विधान चंद्र रॉय बीसी रॉय की अगर हम बात करते हैं तो भाई इन्हीं का ही जन्मदिवस एक जुलाई को होता है जिसमें कि भारत में इनका जन्म दिवस एज अ डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है ठीक है याद रखिएगा विधान चंद्र रॉय और इन्हीं के ही नाम पर मेडिकल फील्ड में बीसी रॉय अवार्ड भी दिए जाते हैं जो कि भारत में मेडिकल फील्ड में दिया जाने वाला हाइएस्ट अवार्ड है ठीक है याद रखेगा जो कि एक जुलाई को ही दिया जाता है क्या आंसर रहेगा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा था लिखा था होगा ठीक है बताइए क्या हो जाएगा किसने लिखा था ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए क्या हो जाएगा यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ आनंद मठ आनंद मठ में वंदे मातरम जो कि गीत है इसकी रचना की थी ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य भी कहा जाता है बताएंगे संजना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लैक एंड व्हाइट भी आपका चलेगा और कलरफुल भी तो वो आपकी चॉइस है बाकी ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का जो कि स्टेट फ्लोवर है जो कि स्टेट फ्लोवर है वह कौन सा है वह है ऑर्चिड याद रखिएगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ऑर्चिड फ्लोवर है इनका उत्पादन होता है एक की तरह होते हैं ठीक है याद रखिएगा एक टैल की तरह होते हैं जिसपे कि यह छोटे छोटे फूल्स जो कि हैं यह है बने हुए होते हैं टैल नुमा होते हैं ठीक है इसीलिए इन्हें ऑर्चिड टैल के रूप में भी जाना जाता है और कहाँ पर होता है भारत में अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बताइएगा कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है बताइए क्या वह कहलाता है आंसर कीजिएगा और सभी के सभी भाई क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने की अभी तक लाइक नहीं किया है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे लिथोस्फेयर जो कि स्थल मंडल है ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी का जो कि अर्थ आ, मतलब एक ठोस सॉलिड पार्ट है जहां पर कि हम रहते हैं उसे स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर इसे कहा जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने कहा था सॉलिड पार्ट बताओ जिसपे हम रहते हैं पार्ट हमारे आसपास का पर्यावरण के प्रति जो भी हमारा पूरा एक आ, आ, क्रिया है जो कि एनवायरमेंट के साथ में जीवो की हो रही है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है चले द नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे आप सभी एक न्यूज पेपर का नाम दिया गया है न्यू इंडिया ठीक है और आपसे पूछा गया है कि न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था बताएंगे क्या हो जाएगा क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा फटाफट से बताएंगे बिल्कुल से क्या हो जाएगा एनी बेसेंट ठीक है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह है जो कि समाचार पत्र शुरू किया गया था यह एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था एनी बेसेंट ही है जो कि भारत में होम रूल होम रूल लीग होम रूल लीग के कॉन्सेप्ट को यह लेकर के आई थी जिसे कि पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और यही सबसे पहली महिला रही है जिन्होंने की जिन्होंने की भाई कोलकाता के जो कि उस समय कांग्रेस का सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने 1917 में ठीक है क्वेश्चन है हमारा बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं बताइए हु एमोंग दी फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे क्या यहाँ पे आपका जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए किसको यहाँ पर जाना जाता है तो किसको जाना जाता है जो कि मैंने आपको याद कराया था कि आप इनके नाम में डोट्स से याद कर सकते हैं कि हिस्ट्री में एक डोट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो इस डॉट को आप रिलेट करके याद कर सकते हो देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी के सभी बताएंगे क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले भी आप लोगों को करा चुकी हूँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है बताइए चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है ये आपको बताना है तो क्या हो जाएगा नेताजी सुभाष नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है जो कि कहाँ पर है पटियाली में है क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के पटियाली में यह लोकेटेड है जो कि पहले भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के नाम से जाना जाया करता था और बाद में इसका जो नाम है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया ठीक है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत में सेवन न्यूक्लियर प्लांट है भारत में सेवन न्यूक्लियर प्लांट है और आपको बताना है कि स्थित है? है शाम को सात बजे जिसमें कि हम लोग एस एस सीजीएल में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार कराऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ किस तरह का लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है सीजियल में ठीक है चलिए आंसर करेंगे काकरापार की बात करते हैं तो कहां पर है यह है गुजरात में ठीक है बाकी टोटल जो ये सेवन है एक बार इनको मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगी सभी को ही चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए तो एक तरफ आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको उनके लेखक दिए गए हैं जिसमें कि आपको इनके अकॉर्डिंग बताना है कि भाई कौन सा पेयर है जो कि यहां पर आपको सही दिया गया है यानी कि राइट पेयर बताएंगे चारों के बारे में पढ़िएगा और फिर आपको बताना है कौन सा पेयर यहां पे आप लोगों को सही दिया गया है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी भी क्या हो जाएगा यहां पे बताएंगे आप सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा चलिए फटाफट से बताएंगे युगम सही चलिए इस तो देख लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा आपका यदि हम दी इमाम इंडियन की बात करते हैं तो अमिताभ घोष की बुक है दी लाइन की बात करते हैं यह भी अमिताभ घोष की बुक है क्या हो जाएगा इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो किसकी है भाई यह भी अमिताभ घोष की यहाँ पर बुक है ठीक है याद रखिएगा द नेक्स्ट है टू लाइफ्स क्या हो जाएगा टू लाइफ्स इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है, क्या हो जाएगा विक्रम सेठ की बुक है ये भी सही है द नेक्स्ट है वॉर टॉक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉर टॉक्स वो टॉक्स की बात करते हैं तो किसकी बुक है यह है अरुन्धती रॉय की क्या हो जाएगा यहाँ पर अरुन्धति रॉय की यह है बुक है ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा यह है भाई अरुन्धति रॉय की बुक है ना कि यह है बुक है अमिताभ भट्टाचार्य की तो ये दोनों आप लोगों को गलत दिए गए हैं बाकी ए और सी जो है ये सही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट पेयर ए एंड सी आपके यहाँ पर राइट पेयर है क्लियर चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी बताएंगे कि भुज वायु सेना बेस गुजरात के किस जिले में स्थित है आंसर कीजिएगा चलिए एक एयरबेस का नाम आपको दिया गया है भुज आपको बताना है कि यह है कहां पर स्थित है आंसर कीजिए यह है भाई कहां पर स्थित है चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात क्या हो जाएगा कच्छ गुजरात के कच्छ में यह बना हुआ है भुज एयरबेस ठीक है याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है और भूटान किन किन राज्यों से किन किन स्टेट से यह अपनी सीमा को साझा करता है ये भी आप लोगों को बता रहा है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा जोहा ओके okay, अविनाश ओके okay, गिरीश हम्म निरंजन चलिए बताइएगा आंसर की क्या हो जाएगा बताइए कौन सा साझा करता है इनमें से तो इनमें से पश्चिम बंगाल इसके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है इसके साथ ही क्या हो जाएगा कि भाई पश्चिम बंगाल इसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है असम करता है ठीक है सिक्किम करता है सिक्किम करता है और अरुणाचल प्रदेश जो कि है यह अपनी सीमा को यहाँ पर साझा करता है तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर चार राज्य हैं जो कि इससे अपनी सीमा को यहाँ पर बनाते हैं ठीक है याद रखेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ डी ऑप्शन जो की है हमारा यहाँ पर सही आंसर अपना रहेगा ठीक है चलिए द नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है बताइए कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो तमिलनाडु के एरिए का जो कि तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है मालाबार तट की बात कर लेते हैं तो केरल वाला जो कि तट आता है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और कोणकण तट की बात करते हैं तो यह है पश्चिमी पूर्वी का तट है सत्रिया नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइए चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे सत्रिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो कि आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है भारत के भी जो कि आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से यह है, एक है ठीक है याद रखिएगा और इसकी बात अगर की जाए तो यह है असम राज्य का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है ठीक है याद रखिएगा इसके साथ ही बिहू बिहू जो की है यह है, भी यह है, असम राज्य का फोक डांस है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए तो क्वेश्चन है भाई हमारा कि दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से अटूट खड़ा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है बताइए निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है ये आप लोगों को आंसर कर करके यहाँ पे बताना है फटाफट से आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए चलिए गिरीशों के झांसी मनीष चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहां पर है यह है कुतुब मीनार में जिसे की आरन प्लर यानी कि लोहो स्तंभ लोहो स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है ठीक है याद रखेगा इसे लोह स्तंभ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और इसका जो निर्माण है यह चंद्रगुप्त के द्वारा कराया गया था क्योंकि कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब्दीन कुतुब्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के बेस का निर्माण करवाया था देन उसके बाद इल्तुतमिश मिश्र ने इसके ऊपर तीन फ्लोर का निर्माण करवाया था और सबसे टॉप फ्लोर का जो निर्माण है यह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था ठीक है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन जो की है यह हमारा आंसर यहां पे रहेगा चलिए पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए पारा दीप की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य में स्थित है याद रखिएगा बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा कि भाई यह ओडिशा राज्य में यहां पर स्थित है सो so, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो की है हमारा यहाँ पर सही आंसर आपका जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के जो कि भाई लेखक है तो यह है कौन है आंसर कीजिएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन है अरुंधति रॉय हैं जिसके लिए इन्हें नाइनटीन में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था ठीक है याद रखेगा The next है कि भाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि रहे हैं वह कौन है पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी पद भारत में हुआ करता था लेकिन करंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भारत में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है ठीक है और सबसे पहले कौन रहे हैं सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यह है, रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर रहे हैं इनकी अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल तो यह हमारे सबसे पहले होम मिनिस्टर भी रहे ठीक है ठीके? देश के जो सबसे पहले होम मिनिस्टर रहे हैं यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही रहे हैं इन्हें भारत के बिस्मार्क के नाम से भारत के बिस्मार्क के नाम से इन्हें जाना जाता है साथ ही इन्हें भारत के आरन मैन के रूप में भी जाना जाता है यानी कि पुरुष पुरुष इन्हें भारत के लोहो के रूप में भी भाई यहाँ पर जाना जाता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए कि शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं बताइए आंसर कीजिएगा आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहां पे बताएंगे सभी के सभी भी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करके चलिए चलिए बिल्कुल सही देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो किन ग्रहों के बीच नहीं पाए जाते हैं आंसर कीजिएगा सभी बिल्कुल मार्स और जुपिटर क्या हो जाएगा यहां पर मार्स और जुपिटर जो कि ग्रह है प्लानिट है इनके मध्य जो कि एस्ट्रोइ्स है यह नहीं पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना ए ऑप्शन चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फोटो uh, तो लेकर के जाना है और आईडी आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है संजना बाकी पेन की जरूरत तो नहीं पड़ती है पेन वो लोग वहां पर दे देते हैं तो आपका पेन अलाउ नहीं होता है बट हाँ फोटो कभी-कभी मांग लेते हैं और कभी-कभी नहीं भी जरूरत पड़ती है सो आप रख करके लेकर के जाना एक को सोने आधार कार्ड से मैच करना होता है और एक आईडी प्रूफ भी आपको लेकर के जाना होगा आधार कार्ड ले जाइएगा अपना चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा हल्दीघाटी हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था 1576 जून 1576 यानी कि 1576 में घाटी का वॉर हुआ था और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व है यह मानसिंह कर रहा था कौन ने इसमें नेतृत्व याद रखिएगा तो क्वेश्चन है ये आज का हमारा भाई आपका लास्ट क्वेश्चन जो की है यहाँ पर रहेगा इसके बाद आप सभी ये याद रखिएगा कि आज शाम को सात बजे जो सीजल में आए हुए SSC, सीजल में आए हुए क्वेश्चन है ना वो सभी हम लोग करेंगे शाम को सात बजे इसके साथ ही रात को दस बजे अपनी यूट्यूब पर क्लास है जो कि है हमारी नेशनल पार्क नेशनल पार्क पार्ट टू ठीक है कोर्स कल हम कुछ नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं और कुछ नेशनल पार्क जो कि है यह हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बार प्रोफाइल के बारे में दिखा देती हूँ जरा एक बार मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी क्लास के बारे में जरा दिखा देती हूं चलिए यहाँ पे देखिएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि अपनी जो क्लास है चल रही है ठीक है और अपनी क्लास के जब आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोगों को मेरी अनअकेडमी एप्लीकेशन पर मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा सोनम त्यागी ओनैडमी इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को जो है इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा अपकमिंग इवेंट में जब आप चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा यहां पर कि आज की जो क्लास है शायद क्लास होने के बाद आपको नजर आएगा तो आज शाम को मैंने नौ बजे क्लास रखी है ठीक है एप्लीकेशन पर बजे मैंने क्लास रखी है जिसमें कि हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी एप्लीकेशन पर भाई यहां पर जुड़ जाएंगे ठीक है जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में क्लियर करने वाले हैं ठीक है चले ठीक है चलिए क्लियर है यहाँ पे इसके साथ ही भाई अपने पर अपने कोर्स के बारे में भी, भी यहाँ पर याद रखिएगा ठीक है अपने कोर्स के बारे में भी, भी, भी यहां पर याद रखिएगा कि आप सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए ठीक है मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जो कि है एस ओ टी वाई ये मेरा कोड है और कोड का यूज करने पर आप एस एस सी चाहे का आपका कोर्स है या फिर एम टी एस 2023 की तैयारी के लिए आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है बाकी आज की क्लास को हम लोग यहां तक रखते हैं शाम को सात बजे सभी जुड़ जाइएगा और आपको रात में दस बजे भी और रात में नौ बजे अपनी एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लास है ठीक है सभी जाकर के यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा लिंक पे जाकर के ठीक है लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और लिंक पर जाकर के फॉलो कर लेना फिर आज हम लोग वर्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे मैं इवेंट क्रिएट कर चुकी हूँ बस इवेंट में दिखाई नहीं पड़ रहा ठीक है चलिए तो क्लास को यहाँ तक रखते हैं मिलते हैं अब हम लोग अपनी सात बजे क्लास में और फिर नौ और दस बजे आज क्लास में पढ़ना है लगातार चलिए सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड क्लास को सभी लाइक कर दीजिएगा सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत